नमस्कार दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट कम्युनिकेशन क्लास वन। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार क्या है, संचार का अर्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं दोस्तों। ये हमारी एक बेसिक क्लास होने वाली है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। इस क्लास को आप पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे की वीडियोज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों, हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों, हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों, अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन यानी संचार के बेसिक नॉलेज के बारे में, ये है क्या। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और संचार करना उसकी प्रकृति है। अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करना उसकी जन्मजात प्रकृति है। मनुष्य क्या दोस्तों, समाज में रहता है, समाज में रहना उसकी आवश्यकता है, और समाज में रहने के लिए उसको संचार करना आवश्यक है। संचार उसकी क्या जन्मजात प्रकृति है। वो जब जब से उसने जन्म लिया तब से लेके अब तक वो अपने विचारों, हाव भाव, अपनी बात को कहने के लिए क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। और क्या है दोस्तों, इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि मानव के अस्तित्व में आने के साथ ही संचार की आवश्यकता अनुभव हो गया होगा, जो कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता हो गया है। देखिए, जब से मनुष्य आया तब से कम्युनिकेशन का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। जिस तरह से मनुष्य के लिए, शरीर के लिए भोजन करना आवश्यक है, उसी तरह समाज में रहने के लिए मनुष्य के लिए क्या जरूरी है, संचार, कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि मनुष्य जन्म से लेके मृत्यु तक एक दूसरे से बातचीत करता है, उसको समझता है और अपने हाव भाव व्यक्त करता है। ये इसका आसान भाषा में हम मीनिंग कह सकते हैं। अब देखिए, इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बच्चा है, बच्चा जन्म लेता है तो उसे लैंग्वेज तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेशन करता है। उसे अगर दूध पीने की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, वो रोएगा। अगर उसे भूख लगेगी तो कुछ भी चीज़ लेने की इच्छा होगी तो वो उसकी तरफ इशारा करेगा। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, वो लैंग्वेज नहीं सीखेगा, हाव भाव के जरिए हमें समझाने की कोशिश करेगा। और जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के हम किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं अपनी बात को समझाने के लिए। तो वो क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन होगा, संचार होगा। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सार्थक चिन्हों के द्वारा सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया का क्या कहलाते हैं, संचार कहलाती है। अब मान के चलिए एक बच्चा है, मान के चलिए वो पहले अलमारी की तरफ इशारा करता है, अलमारी के अंदर कुछ खिलौना पड़ा है, ठीक है, पहले अलमारी की तरफ करता है, फिर छत की तरफ इशारा करता है, फिर कहीं और करता है, फिर और कहीं करता है, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि इसे एक्चुअल में चाहिए क्या। तो वो क्या, वो सार्थक चिन्ह नहीं है। हमें ऐसे इशारे करने पड़ेंगे जो सही कम्युनिकेशन करते हो। अगर बच्चा बार 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 खिलौने की तरफ इशारा कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि इसको क्या चाहिए, खिलौना चाहिए। लेकिन वो 10 बार इशारे करे और 10 बार अलग अलग चीज़ों की तरफ इशारे करे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि इसको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। तो ये है दोस्तों, कम्युनिकेशन के लिए सार्थक चिन्हों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेत और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता तो उसे वो क्या कहलाता है, वो संचार कहलाता है। कम्युनिकेशन की परिभाषा दोस्तों, संचार की परिभाषा देखते हैं। कम्युनिकेशन इंग्लिश में आप ये देख लेना, CommuniCationS, कम्युनिकेशन शब्द लेटिन भाषा के कम्युनियस से बना है दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है, कम्युनिकेशन लेटिन भाषा के कम्युनियस से बना है, जिसका अर्थ है टू इम्पोर्ट टू कॉमन, मन के विचारों व भावों का आदान प्रदान करना अथवा विचारों को सर्व सामान्य बनाकर दूसरों के साथ बांटना ही संचार है दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना। यहाँ पे इसमें से पहले एक क्वेश्चन आ चुका है। संचार शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शब्द कम्यून शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है आदान प्रदान करना अथवा बांटना, ये चीज़ याद रख लेना। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, अलग अलग थिंकर ने कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहा है, उन्होंने किस तरह से उनको डिफाइन किया है, वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, चेरी के अनुसार क्या है,
संचार उत्प्रेरक का आदान प्रदान है। सैनन ने क्या कहा है, सैनन ने संचार को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है, यानी कि एक माइंड द्वारा दूसरे माइंड पर जो प्रभाव डाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ये सैनन का मानना है दोस्तों। और उसके बाद में मिलेन ने क्या कहा है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया, इन्होंने क्या है प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया इसको, क्या किया, आपके अनुसार संचार एक प्रशासनिक संगठन की जीवन रेखा है। अब देखिए हर थिंकर है वो अपने अपने हिसाब से डिफाइन करता है, ये हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बस हमें बेसिक समझ के लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। वीवर के अनुसार वे सभी तरीके जिनके द्वारा एक मनुष्य दूसरे को प्रभावित कर सकता है संचार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन्होंने मनुष्य की बात की, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्रभावित करता है किसी भी तरीके से, वो क्या है, संचार है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पशु पक्षी है वो भी तो संचार करते, पेड़ पौधे वो भी तो संचार करते, हर कोई संचार करता है, सजीव वस्तु, हर सजीव वस्तु संचार करती है चाहे वो किसी भी तरीके से करे। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, मानव की बात की है, तो वही बात है कि हर थिंकर का अपना अपना नजरिया है देखने का। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों संचार की प्रकृति, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का नेचर क्या होना चाहिए। संचार एक विज्ञान एवं कला दोनों है, ये देखिए संचार क्या है, हमारा साइंस भी है और आर्ट भी है। इसको हम समझते, देखिए साइंस किस तरह से, साइंस इस तरह से आज हम कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या है, स्मार्टफोन्स है, YouTube पे वीडियोस देखते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, Zoom मीटिंग करते हैं, तो कितने साधन हो गए हमारे पास, साइंटिफिक तरीके से हमने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया है। दूसरी तरह से अगर हम कला की बात करें तो कला का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है वो बहुत अच्छे तरीके से भाषण दे सकता है, बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता है, बहुत अच्छे तरीके से गा सकता है, तो वो क्या होगी, वो कला होगी। तो कम्युनिकेशन हमारा क्या है दोस्तों, वो एक संचार, एक कला भी है और एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, दोनों इसके अंदर आता है। संचार एक जन्मजात गुण है, ये चीज़ हमने देख ली दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तब से वो कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये एक सोशल प्रोसेस है, हम समाज में रहेंगे तो कम्युनिकेशन करेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम कम्युनिकेशन करेंगे। संचार एक मानवीय प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है, वास्तव में संचार एक मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि संचार के दोनों पक्ष प्रेरक तथा प्रापक सामाजिक प्राणी होते हैं और समाज की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के माध्यम से ही संपन्न होती है। देखिए ये बात इसकी बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कमी कहाँ पे रखी हुई है दोस्तों, इन्होंने मानव को ही इंक्लूड किया है, लेकिन ये बात सही नहीं है दोस्तों। हमें पता है कि जो पशु पक्षी है वो भी तो संचार करते हैं, वो मानव तो नहीं है लेकिन संचार तो करते ही है ना, वो पेड़ पौधे वो भी हमारे संचार करते हैं, लेकिन चलो जो भी है ठीक है। संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल प्रोसेस है, हम कहीं भी चले जाए हर जगह संचार होगा, हम अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, कहीं भी चले जाए, वहाँ लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन कम्युनिकेशन होगा। वहाँ पे हमें लैंग्वेज नहीं आ रही, उनके लैंग्वेज नहीं आ रही, लेकिन इशारा करके तो हम बता सकते हैं ना कि हमें पानी चाहिए, हमें क्या चाहिए, कहाँ जाना है, इशारे करके हम वहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये पूरे दुनिया में हर जगह चलता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर संचार की विशेषताएं क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों। संचार के अंदर मुख्य रूप से पांच तत्व होते हैं दोस्तों, पांच तत्व कौन कौन से, सबसे नंबर एक पे दोस्तों सेंडर आता है, यानी कि जो मैसेज भेजे ठीक है वो आता है, उसके बाद में मैसेज आता है। अब देखिए दोस्तों कई दोस्त इसके अंदर ये कह सकते हैं कि सबसे पहले मैसेज आएगा, अगर मैसेज ही नहीं है तो सेंडर क्या करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इसका सही स्टेप है वो ये है, सबसे पहले हमारे सेंडर आएगा, यानी कि जो भेजने वाला आएगा, संदेश भेजने वाला आएगा, वो हो सकता है संदेश वाहक हो सकता है, लेखक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके बाद में उसे क्या संदेश भेजना है वो आएगा। नंबर तीन पे आएगा मीडियम, किस माध्यम से उसको भेजना है, जैसे कि लेटर लिख के भेजना है या फिर रेडियो के द्वारा संदेश भेजना है फिर या फिर टेलीफोन के जरिए किस तरह से उसको भेजना है, किस मीडियम से भेजना है, नंबर तीन पे आ जाएगा। नंबर चार पे दोस्तों रिसीवर, यानी कि प्राप्तकर्ता, उसे कौन रिसीव कर रहा है ठीक है, वो क्या आ जाएगा, हमारा रिसीवर आ जाएगा। रिसीवर के बाद में दोस्तों हमारे पास फीडबैक है, फीडबैक यानी कि उसने संदेश प्राप्त कर लिया, संदेश प्राप्त करने के बाद कुछ वो प्रत्युत्तर देगा, फीडबैक देगा, हाँ भाई मैंने आपकी बात नोट कर ली है और इसका जवाब मैं तब दूंगा, ये होगा, कुछ ना कुछ वो जवाब देगा। जब तक हमारी फीडबैक ना आए तब तक संचार प्रक्रिया को पूरा नहीं माना जा सकता। और इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है इसके अंदर,
नंबर छः पे अगर हम इंक्लूड करें तो वो होते हैं नॉइज़ होती है। जैसे मान के चलिए हम किसी के पास संदेश भेज रहे हैं, नॉइज़ आ जाए, जैसे मान के चलिए हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात करते करते पीछे से ट्रक गुजर गया तो अगले को समझ में नहीं आएगी हमने क्या कह दिया। और नॉइज़ जो है दोस्तों, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करें तो बहुत तरह के हो सकते हैं। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में से पहले क्वेश्चन आया दोस्तों, उन वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आए, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर नॉइज़, वो भी आप याद रख लेना, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो स्टेप पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो यही पूछे जाते हैं, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। ये हमारे कितने, 1 2 3 4 5, पांच यहाँ पे हमारे स्टेप है, ये स्टेप आप याद रख लेना। और जो स्टूडेंट है कहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं, वो यहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं, जो मैसेज है मैसेज पहले दे देते हैं और सेंडर नंबर 2 पे देते हैं, तो सेंडर नंबर 1 पे ही आएगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, लेकिन संचार के आधुनिक स्वरूप का विश्लेषण किया जाए तो संचार के निम्नलिखित तत्व प्रकाश में आते हैं। अगर हम न्यू मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो उसके उसके अंदर संचार किस तरह का आता है उसके हम बात करते हैं। संचार एक सतत प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये क्या है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक संचार निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार आदि बाह्य एवं आंतरिक पक्षों के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया व्यवहार में निरंतर बनी रहती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि हमेशा चलती रहती है कम्युनिकेशन प्रक्रिया, ये इन्होंने कहा है। और उसके बाद में हम बात करते हैं संचार अर्थ संचारित करने का माध्यम है। देखिए अगर रियल मायने में देखा जाए तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन वो है जिसके द्वारा हम किसी को कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो है हमारा कम्युनिकेशन है। अब मान के चलिए एक पागल है, पागल कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, क्योंकि उसकी बातों का कुछ अर्थ निकलता ही नहीं है। तो हमारी ऐसी बात होनी चाहिए ना, कम्युनिकेशन उसी को माना जाएगा जिससे उसकी बातों का कुछ अर्थ निकले, कुछ मीनिंग निकले, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा कम्युनिकेशन होगा। अब जैसे मान के चलिए एक कुत्ता है, वो वैसे भौंक रहा है, अब हमें क्या पता वो क्यों भौंक रहा है। अगर वो हमें इशारा करे, वो हमें भौंकते हुए किसी जगह पे लेके जाए, वहाँ पे हम देखे हुए चोर घुसे हुए हैं, तो क्या होगा, तो हमारा कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि उस कुत्ते ने हमें अर्थ समझाया है क्यों वो भौंक रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हुआ हमारा कम्युनिकेशन। और अगर कुत्ता ऐसे ही भौंक रहा है, कुछ भी नहीं है, बेवजह भौंक रहा है, तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये होता है दोस्तों संचार के अंदर की अच्छा मीनिंग निकलना चाहिए, क्या मतलब है उसका। आगे हम बात करते हैं संचार एक द्विमार्गीय प्रक्रिया, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। ये वही बात आ गई, फीडबैक वाली बात आ गई। देखिए एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, अगर दूसरा जवाब ना दे, अगर वो फीडबैक ना दे, तो क्या होगा, वो इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन होगा। हम किसी से बात करते रहे वो कुछ जवाब ही ना दे, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। तो इसलिए संचार दोनों तरफ से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, जैसे हम कुछ कहानी सुनाते तो वो हामी भरता रहता है, हाँ हाँ करता रहता, तो हमारा इंटरेस्ट बना रहता है अगले को कहानी सुनाने में। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों संचार माध्यम के विभिन्न प्रकार। अब देखिए हर तरह के संचार के लिए अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कुछ बात समझाना चाहे वो केवल और केवल फ़ोन द्वारा ही समझा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम फ़ोन पे बात करें फिर हम ये कहेंगे यार तू ये बता तू कहाँ पे, मैं वहीं आके बात कर रहा हूँ तेरे से, ठीक है। तो अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग हमारे हो सकते मीडियम हो सकते अलग अलग चैनल हो सकते हैं। और सूचना, देखिए जैसे इसमें बात करें, आधुनिक युग में अनेक संचार माध्यम प्रयोग में लाए जाते हैं। सूचना क्रांति के वर्तमान युग में संचार के लिए परंपरागत माध्यम जैसे पत्राचार, टेलीफोन के साथ साथ तीव्र गति वाले आधुनिक संचार माध्यम जैसे टेलीफैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए जैसे हमारे पास टीवी पे क्या है, टीवी पे 24 घंटे न्यूज चलती रहती है ना, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना ही अच्छा लगता है। न्यूज़पेपर में एक दिन बाद न्यूज़ आती है, लेकिन फिर भी उनको एक दिन बाद न्यूज़ पढ़ लेंगे जो न्यूज़पेपर है उनको बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जो टीवी चैनल है उन पे लाइव चलता रहता है, 24 घंटे न्यूज़ देते रहते हैं, बहुत पहले हमें पता चल जाती है, लेकिन इंटरेस्ट की बात होती है। तो हर व्यक्ति को अपने हिसाब से भी अलग अलग चैनल पसंद आ सकते हैं कम्युनिकेशन के। तो ये है दोस्तों आज की हमारी क्लास, इसके अंदर हमने जाना कि संचार क्या है, संचार का अर्थ क्या है,
और उसकी विशेषताएं क्या है, तो ये सारी चीज़ें जानें दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।